शरीर में जलन, सर दर्द, चक्कर आना, अत्यधिक प्यास, मांसपेशियों में ऐंठन, बेचैनी, पेशाब में जलन, नाक से खून बहना, चिड़चिड़ापन, पसीने की दुर्गंध की आयुर्वेदिक दवा शीत सुधा। सब्सक्राइब कीजिए खाजू वाला यूनानी हेल्थ केयर चैनल को और बेल आइकन को दबाइए नई अपडेट पाने के लिए। हेलो दोस्तों, खाजू वाला यूनानी हेल्थ केयर चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बता रहा हूँ गर्मी से राहत एवं ठंडक पहुँचाने वाली आयुर्वेदिक की फेमस मेडिसिन शीत सुधा शरबत के फायदे, वे कंपोजिशन, वे डोज के बारे में। हर्बल दवा कंपनी दत्तपापेश्वर की यह एक ब्रांडेड मेडिसिन है जो कड़ी गर्मियों में ठंडक पहुंचाती है तथा शरीर को चुस्त रखती है। लू के कारण उत्पन्न होने वाले रोगों के लिए यह एक आयुर्वेदिक फार्मूले से बनाई गई हर्बल दवा है, जिसके इस्तेमाल से अत्यधिक प्यास लगना, शरीर में जलन होना, सर दर्द, चक्कर आना, मांसपेशियों में ऐंठन, बेचैनी, चिड़चिड़ापन, पसीने की दुर्गंध, पेशाब में जलन, नाक से खून बहना, हर तरह के लू के कारण उत्पन्न रोग दूर होते हैं। शीत सुधा शरबत जड़ी बूटियों के मिश्रण से बनी एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो 450 ml रेस्ट या सिरप के तरह होती है, ठीक वैसी ही होती है जैसे गन्ने का रस होता है। तो आइए अब जानते हैं इसके फायदे के बारे में। ज़्यादा गर्मी से नाक से खून आना जैसी प्रॉब्लम को ठीक करता है तथा गर्मी से सर दर्द, चक्कर आना जैसी प्रॉब्लम को दूर करता है। शरीर में जलन, अधिक गर्मी, मूत्र त्याग, पेशाब में कठिनाई, पूरे शरीर में जलन, अत्यधिक प्यास लगना, निर्जलीकरण जैसे रोगों को ठीक करती है। यह एक प्राकृतिक शीतलक टॉनिक है। ग्रीष्मकाल के दौरान अत्यधिक गर्मी के कारण पूरे शरीर में होने वाली जलन को ठीक करने में सहायक है तथा बार बार प्यास लगने की प्रॉब्लम को ठीक करती है तथा ज़्यादा गर्मी से नाक से खून आना जैसी प्रॉब्लम को ठीक करती है तथा गर्मी से सर दर्द, चक्कर आना, ज़्यादा गर्मी शरीर में पसीने की दुर्गंध आने जैसी प्रॉब्लम को ठीक करती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो यह लू वे गर्मी से राहत एवं ठंडक पहुंचाने वाली आयुर्वेदिक फार्मूले की अच्छी मेडिसिन है जो बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के काम करती है। मधुमेह वाले रोगों को इसका इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह से करना चाहिए क्योंकि इसमें चीनी होती है जो आपके रक्त शर्करा स्तर को बढ़ा सकती है। तो आइए जानते हैं इसके कंपोजिशन को। इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसमें लगभग 2 प्रकार की सामग्रियों से बनाया जाता है। जैसे इसमें मेन सामग्री उसीरा है जिसे खुशखुश या वेटिवेरिया जिजाइलिएट्स के नाम से भी जाना जाता है। इसमें दूसरी सामग्री चीनी है जो आवश्यक के अनुसार मिलाई जाती है। आइए जानते हैं शीत सुधा शरबत का डोज वे सेवन विधि। 2-2 चम्मच सुबह शाम पानी या दूध में अच्छी तरह से घोल कर लेना चाहिए। बच्चों में कम मात्रा में देना चाहिए। यह ऑलमोस्ट सेफ दवा है। सही डोज में देने से किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, फिर भी डॉक्टर के निर्देश अनुसार लेना बेहतर है। प्रेगनेंसी वे ब्रेस्ट फीडिंग में डॉक्टर की सलाह लेना बेहतर होता है। इसमें ज़्यादा चीनी मिली होने से यह गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए डॉक्टर की सलाह जरूरी है। यह थी आज की जानकारी शीत सुधा शरबत के बारे में। जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और नई अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज की जानकारी को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर पढ़ सकते हैं। कोई सवाल हो या सलाह चाहिए हमें कमेंट कीजिए। आपके सवालों का जवाब देकर हमें बड़ी खुशी होगी। दूसरी आयुर्वेदिक व यूनानी दवाइयों के बारे में जानकारी के लिए हमें कमेंट कीजिए। आपके कमेंट का जवाब मैं तुरंत दूंगा। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।